नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल बी हेल्दी में। आज हम आपको मुलैठी पाउडर कैसे बनाते हैं इसकी पूरी विधि बताएंगे। देखिए, ये मुलैठी है जो कि आपको किसी भी पंसारी की शॉप में मिल जाएगी। इसको फल किसनी से आपको बारीक मुलायम होने तक पीस लेना है, ताकि जब आप इसे ग्राइंडर में पीसें तो आपका ग्राइंडर ख़राब ना हो और ये इजीली आपकी महीन पिस जाए। देखिए, खलकुटनी से कूटने के बाद कुछ इस तरह से, जिस तरह आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से भूसी की तरह कुचरी हुई आपको मुलायम मुलायम दिखाई देगी। अब हम इसको एक जार में, मिक्सी के जार में डाल लेंगे। मिक्सी में के जार में डालने के बाद इसमें जो इसकी महीन जो पिस जाएगी, तो ये आपको किसी भी काढ़े के काम, और इसके साथ ही आप इसे शहद के साथ थायराइड के लिए, हार्मोन्स इम्बेलेंस के लिए आप इसे खा सकते हैं। देखिए, जो ये पिसने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है, जब आप इसको छान लेंगे तो ये एकदम बारीक हो जाएगी। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इकट्ठा बहुत सारा पीस करके नहीं रखना है, क्योंकि इससे इसके में इसकी सुगंध में कुछ कमी आ जाती है। आपको जितनी ज़रूरत हो, लगभग एक हफ्ते के लिए आप इसको पीस के एक किसी कांच के कंटेनर में या एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, और डेली आप इसे शहद के साथ खा सकते हैं, जो कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देगी। इसका आप फेस में लेप भी लगा सकते हैं, जिससे कील मुहासे जैसे आपको फेस में नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ ही आप इस मुलैठी पाउडर को डेली अपनी चाय में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये नुस्खा कैसा लगा। अगला वीडियो हम आपको दालचीनी से संबंधित लेकर के आएंगे, क्योंकि दालचीनी के भी अद्भुत फ़ायदे होते हैं। तो प्लीज़ बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे सभी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएँ, तो सभी आपके पास तक पहुँचते रहें और आप उन्हें देखें सबसे पहले।